हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल यो अमरोही में। मैं फिरोज अमरोही आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सर्दियों में अक्सर कबूतरों की आंखों में पानी निकलने लगता है, आंखें दुख जाती हैं, आंखों के पास मस्से बन जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, इसके पूरी डिटेल्स आपको मैं बताऊँगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आँख में कबूतर आपस में लड़ाई कर लेते हैं तो आंख अंदर को दब जाती है। ऐसा ही हमारे पास एक कबूतर है तो उसकी आंख अंदर को बैठ गई है, दब गई है। कबूतरों की किसी वजह से लड़ाई हुई हो उससे, या फिर उसकी आंख में कुछ लग गया हो। आया है हमारे पास कि जब बाहर से कबूतर मैंने अभी पकड़ा है कुछ देर पहले ही, तो इसकी आँख को हम ठीक करते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट। ये ड्रॉप है हमारे पास सिप्लॉक्स, ये देख लिए, सिप्लॉक्स आई ड्रॉप, सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप, ठीक है। ये हमें इसकी आँखों में डालनी है, इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इससे शिफा मिलती है। तो हम इसे पकड़ लेते हैं, ये देखिए, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये इधर की आँख बिल्कुल देखो, इसकी बिल्कुल ठीक है, और ये आँख इसकी बैठ गई है, ये देखिए अंदर। अब हम इसकी आँख में ये डालेंगे, कुछ इस तरीके से है अंदर से, देखिए। ये देखिए दोस्तों, इसकी आँख अंदर से ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये बस अंदर को बैठ गई है। कुछ लग गया है इसकी आँख में, या फिर कबूतर ने किसी ने चोंच मार दी है। ये आँख अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी इसकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपके किसी कबूतर के आँख पे मस्सा हो, या आँख दुख रही हो, आँख में से पानी चलता हो, आँख कबूतर की ज़्यादा लाल हो, मतलब ऐसे पानी निकल कर कभी कभी ज़्यादा लाल हो जाती है, सुराख हो जाती है आँख, तो इसे ड्रॉप को आप ज़रूर लें, सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप, और इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इससे शिफा मिलती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। हमारा चैनल है यो अमरोही, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते नहीं और बेल आइकन पर प्रेस करते रहें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।